पंडित जी, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कशन किया था शेयर मार्केट के बारे में। आपने जो भविष्यवाणी बताई थी वो जैसी की वैसी खरी ठरी हुई है। क्या आपने लास्ट एपिसोड में बोला था, फिर एक बार जो है दर्शकों को हम लोग दिखाएंगे। बिल्कुल। पुढचा प्रश्न मला तुम्हाला खरं तर हा विचारावा असं वाटतो की देश की आर्थिक स्थिती कैसे रहेगी और शेअर मार्केट का हाल चाल कैसा रहेगा। देखिए, बाजार ने एक जिस तरह की छलांग लगाई वो एकदम चमत्कार छलांग लगाई जी। 38,800 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्रमांक पहुंच गया, सेंसेक्स जिसको बोलते हैं जी। इतना जबरदस्त उछाल मार्केट में जब आता है तो कुछ ना कुछ सांस लेना पड़ेगा ना बाजार को। बिल्कुल। ओवर बाइंग हो गई, ओवर सेलिंग तो अभी होनी चाहिए ना, तो ओवर बाइंग में बाजार जो है इस वक्त 3,000 पॉइंट नीचे गिर चुका है। 36,227 से बाजार बंद हुआ है। इस बात में मैं पहले बोल के गया था, आपको याद होगा, पिछले हफ्ते तो नहीं था, कि आई एम बेरिश ऑन द मार्केट, इसलिए आप नाजुक दिल वाले बाहर बैठ जाएं। ये बाजार 36,227 से गिरकर 35,000 तक भी आ सकता है और ऊपर का आंकड़ा ज्यादा से ज्यादा 36,500 का दिखाई देता है। बाजार में निफ्टी इस वक्त 10,930 चल रही है, ये 10,500 आ सकती है, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते आ सकती है। बाजार के उछाल में आप बाजार बेच सेल करें और जो लोग कैश में बैठे हैं वो थोड़ा माल और नीचे से खरीद लें। अगर नुकसान में है तो नीचे से बाजार अभी भी, मैं कहता हूं कि 7 तारीख को कुछ ग्रहों के बदलाव हैं, जैसे गुरु का बदलाव है, और उसके बाद में मार्च अप्रैल में है बाजार में ये घिसरन चालू रहेगी। मुझे आगे आने वाले दिनों में बाजार एक बार वापिस 32,000 आता हुआ भी दिखाई। तो आपने देखा पंडित जी, आपने जो लास्ट टाइम बोला था वो सच्चाई जो है वो सामने आ ही गई है। हम लोग अब ये जानने के लिए उत्सुक है कि आने वाले दिनों में कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट कैसा रहेगा। तो 32,000 की बात तो हम कर ही चुके हैं कि 32,000 जो है सेंसेक्स छू सकता है। चार स्टेट में इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं रहेगी। और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं ना, शनि अभी भी वहां पे बैठा हुआ है, गुरु बदलने वाला है 11 तारीख से, थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी ग्रहों में, मगर डॉलर की परिस्थिति देख लो, 74 रुपए हो गया हमारा, और तेल की परिस्थिति देख लो, इलेक्शन की परिस्थिति देख लो, सब जगह से भी मार्केट में जो है नेगेटिव न्यूज आ रही है और कुछ घोटाले भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 32,000 का आंकड़ा तो डेफिनेटली एक बार छुएगा ही छुएगा और पॉसिबल है कि अगले 6 महीनों में ये 32,000 तोड़ के 30,000 और 31,000 भी देख लें। जी बिल्कुल। तो उसी हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका जो है हर किसी ने डिसीजन लेना जो है काफी जरूरी है।